हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का पहला चैप्टर सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर बचन। सु माने सुंदर, भाषित माने बचन, तो सुभाषितानी माने सुंदर बचन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो पहला श्लोक है, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा सुस्वाद तोया प्रवंती नद्या समुद्रम आसाद भवंत अपेहा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय करते हैं। गुणगेशु गुणा गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती सुस्वाद तोया नद्या प्रवहंती समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका अर्थ देखते हैं अब। गुणगेशु गुणा गुणा भवंती, तो गुणगेशु कहते हैं गुणवान व्यक्तियों में, गुणवान व्यक्तियों में गुणा गुणा भवंती गुण गुण ही होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्य माने प्राप्त करके, निर्गुण माने गुणहीन, निर्गुण मतलब गुणहीन, वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोषा भवंती दोष बन जाते हैं। वे क्या मतलब गुण, वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वाद तोया नद्या प्रभंती, सुस्वाद तोया माने स्वादिष्ट जल से युक्त नदियां प्रभंती, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से युक्त नदियां निकलती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य अपेहा भवंती, परंतु समुद्र में पहुंचकर क्या पहुंचती हैं समुद्र में नदियां, तो परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। अपेहा माने अपेय माने पीने योग्य क्या होता है, जो पीने योग्य ना हो, अपेया माने पीने योग्य ना हो, तो परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं भवंती माने होती हैं। तो गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से युक्त नदियां निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुण होते हैं वो गुण ही रहते हैं, लेकिन अगर वही गुण किसी ऐसे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं जो गुणहीन है, तो वही गुण क्या होता है, दोष बन जाते हैं। जैसे जो नदी होती है उसका जल मीठा होता है, हम उसको पी सकते हैं, लेकिन जब वही नदी का जल क्या होता है समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणहीन व्यक्तियों में पहुंचकर क्या होता है, दोष बन जाते हैं। अगला है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विशाल हीना त्रवम न खादन अपि जीव महाना तद भाग देयम परम पशु नाम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय बनाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना कौन, जनहा, जनहा ब्रैकेट में लिखेंगे तो साहित्य संगीत कला विहीना जनहा साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु त्रिगण न खादन अपि जीव माना अस्ति, अस्ति ब्रैकेट में, और कौन जीवित है, किसके समान जीवित है, पशु के समान, तो पशु इब, तो पशु इब लिखेंगे आप ब्रैकेट में। तो साहित्य संगीत कला विहीना जनहा साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु त्रिगण न खादन अपि पशु इब जीव माना अस्ति तद पशु नाम परम भाग देयम अस्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, साहित्य संगीत कला विहीना जना साक्षात पुच्छ विशाल हीना पशु, तो साहित्य संगीत तथा कला से विहीन माने रहित, साहित्य संगीत कला से रहित जना माने व्यक्ति, तो साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति साक्षात माने वास्तव में, पुच्छ विशाल हीना पूछ बा सींग के बिना, हीना माने बिना, विशाल माने सींग, पुच्छ माने पूछ, वास्तव में पूछ बा सींग के बिना पशु पशु है। तो साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूछ बा सींग के बिना पशु है। त्रिगणम न खादन अपि पशु इव जीव माना अस्ति, त्रिगणम न खादन अपि, त्रिगणम कहते हैं घास को, न खादन अपि, खादन अपि मतलब न खाता हुआ भी, न खादन, खादन माने खाता, अपि माने भी, जो घास न खाता हुआ भी किसकी तरह जीवित है, पशु इव, पशु कहते हैं जानवर को, इव माने त
करेक्ट, पशु के समान। तो पशु के समान आप अर्थ समझाने के लिए लिखेंगे ब्रैकेट में, जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीव माना माने जीवित अस्थि माने है। जो घास ना खाता हुआ भी जीवित है किसके समान, पशु के समान। जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। तद पशु नाम परम भागधेयम अस्ति, यह उन पशुओं का, तद पशु नाम उन पशुओं का परम अत्यधिक भागधेयम अस्ति सौभाग्य है, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु है। जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। तो इस श्लोक में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वो क्या है, पशु के समान है। तो ये पशुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी कैसा जीवन बिताते हैं, पशु के समान जीवन बिता रहे हैं। तो पशुओं के लिए गर्व की बात है कि पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये जो इंसान है इनके पूंछ नहीं होती, सींग नहीं होते, हाँ घास नहीं खाते ये और ज़िंदा रहते हैं, फिर भी क्या है, ये पशु ही हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और बिना पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है, पशु के समान होता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जीवन में क्या है, पढ़ाई लिखाई का बहुत अधिक महत्व है, इसके बिना हम कैसे हैं, पशु के समान हैं। अगला है, लुब्धस्य नश्यति यश, प्रश्नस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थ परस्य धर्मा, विद्या फलम वैष्णिना, कृपरस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय बनाएंगे। लुब्धस्य यश, प्रश्नस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थ परस्य धर्मा, वैष्णिनो विद्या फलम, कृपरस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अब अर्थ देखते हैं इसका। लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य कहते हैं लालची, तो लालची व्यक्ति का यशः माने यश कीर्ति, लालची व्यक्ति का यश। प्रश्नस्य मैत्री, प्रश्नस्य कहते हैं पिशनस्य मैत्री, पिशनस्य कहते हैं चुगलखोर, तो चुगलखोर की मित्रता, पिशनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म नष्ट, क्रियस्य, क्रियस्य माने क्रिया, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। अर्थ परस्य धर्मा, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। अर्थ परस्य माने जो धन को अधिक महत्व देता है, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। वैष्णनो विद्या फलम, वैष्णनो माने बुरी लत वाले का विद्या फल, बुरी लत लग गई है जिसको, उसको विद्या का फल नहीं मिलता, तो बुरी लत वाले का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, तथा जिसके मंत्री, सचिवस्य माने मंत्री, प्रमत्त माने आलस्य, तथा जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हैं, तो ऐसे राजा का, नराधिपस्य माने राजा का, राज्यम नश्यति माने राज्य नष्ट हो जाता है। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, पिशनस्य माने चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल। धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लालची है तो उसका क्या होता है, यश खत्म हो जाता है, उसकी कीर्ति नहीं रहती, तो लालच नहीं करना चाहिए। जो चुगलखोर है उसका क्या होता है, मित्र नहीं रहते, चुगलखोर की मित्रता खत्म हो जाती है। और जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, खानदान नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और कोई व्यक्ति है जो उसको बुरी लत लग गई है, उसको क्या होती है, विद्या उसका फल नहीं देती, अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर उसको बुरी आदतें लग गई हैं।
और कंजूस जो है उसको कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ भी खर्च नहीं करता, कुछ भी खर्च नहीं करता तो क्या होता है, उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है, तो कंजूस का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के मंत्री आलस्य से पूर हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, मित्र को चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, धन को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए, और जो राजा के मंत्री हैं उनको आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला है, पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुरम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन पुजा दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो पहले करेंगे इसका अन्वय, असो मधुमक्षिका कटकम मधुरम वा ब्रैकेट में रसम समानम पीत्वा माधुरम एव जनयेत तथैव संत सज्जन दुर्जनानाम वचः सम श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, असो मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, जिस प्रकार असो मधुमक्षिका यह मधुमक्खी कटकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा कड़वे अथवा वा, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, वा मतलब होता है अथवा, तो जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम माने मीठा रस, एव माने ही, जनयेत माने उत्पन्न करती है, मधुरम माने मीठा और कटकम माने कड़वा। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है, तथैव संता, उसी प्रकार संत मतलब साधु, उसी प्रकार साधु लोग सज्जन दुर्जना नाम बचा सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को सम श्रुत्वा समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्ति रूप रस का सृजंती माने निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो मधुमक्खी होती है, चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे वो मीठा रस पिए, तो वो क्या करती है, हमेशा मीठा रस ही उत्पन्न करती है। तो वो जो शहद बनाती है, जो शहद होता है हमेशा मीठा ही होता है, भले ही उसने कड़वा रस पिया हो चाहे मीठे फूलों का रस पिया हो। उसी प्रकार जो साधु लोग हैं, उन्होंने चाहे दुष्ट तथा सज्जन लोगों के जो वचन सुने हैं, चाहे दुष्ट के सुने हों चाहे सज्जन लोगों के वचन सुने हों, लेकिन उनको समान रूप से क्या करना चाहिए, मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मधुर वाणी ही बोलते हैं, भले ही चाहे उन्होंने दुष्ट लोगों के वचन सुने हो चाहे सज्जन लोगों के वचन सुने हो। अगला है, महताम प्रकृति सा ए वर्धिता नाम परर अपि न जहाति निजम भावम संख्यांशु लाकृति यथा। तो यहाँ पर पहले इसका अन्वय कर लेते हैं, परई वर्धिता नाम अपि महताम सा ए प्रकृति निजम भावम न जहाति यथा संख्यांशु लाकृति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, परई वर्धिता नाम, परई माने दूसरों के द्वारा, वर्धिता नाम माने बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा पाने पर, तो दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर, अपि माने भी, महताम सा ए प्रकृति, महताम माने पर महापुरुषों का, स एव माने वैसा ही, प्रकृति माने स्वभाव, निजम भावम न जहाती, अपने भाव का त्याग नहीं करता है, तो दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का वैसा ही स्वभाव, अपने भाव का त्याग नहीं करता, मतलब जो महापुरुषों का स्वभाव है वो वैसा ही रहता है, जैसा उनका है वो क्या होता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर, दूसरों के द्वारा उनकी जब प्रशंसा की जाती है तो उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव अपने भाव का त्याग नहीं करता, यथा संख्यांशु लाकृति, जैसे, यथा माने जैसे, संख्याओं में, लाकृति माने नौ का आकार, जैसे संख्याओं में नौ मतलब नाइन का आकार, जैसे संख्याओं में नौ का आकार, ब्रैकेट में आप लिखेंगे, अपने भाव का त्याग नहीं करता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इंग्लिश में नाइन लिखते हैं, तो नाइन जो संख्या है वो हमेशा वैसी ही रहती है, अगर उसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होती, उसी प्रकार जो महापुरुष हैं उनका स्वभाव भी चेंज नहीं होता,
हमेशा बदलता नहीं है, भले ही दूसरे लोग उनकी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करें, तो उनको कोई घमंड नहीं होता अपने ऊपर, तो उनका जो स्वभाव है वो वैसा का ही वैसा रहता है। तो दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव अपने भाव का त्याग नहीं करता, जैसे संख्याओं में नौका आकार अपने भाव का त्याग नहीं करता है। अगला है, स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसका अन्वय करते हैं। स्त्रियां रोचमानायाम तत् सर्वम कुलम रोचते तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका अर्थ देखते हैं हम। स्त्रियाम रोचमानायाम, रोचमानायाम माने प्रसन्न रहने पर, अच्छी लगने पर, स्त्री के प्रसन्न रहने पर तत् सर्वम कुलम रोचते, वह संपूर्ण कुल रोचते माने आनंदित होता है। स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह संपूर्ण कुल आनंदित होता है। तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। तस्याम तु, तस्याम माने उसके, अर्थात स्त्री के क्या होता है, अरोचमानायाम अप्रसन्न रहने पर, मतलब दुखी रहने पर अथवा अच्छा न लगने पर, सर्वम एव न रोचते कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्त्री के प्रसन्न रहने पर संपूर्ण कुल आनंदित होता है, उसके अर्थात स्त्री के अप्रसन्न मतलब दुखी रहने पर अथवा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है तो क्या होता है, उस घर में सभी लोग खुश रहते हैं, पूरा जो कुल है वो आनंदित होता है। लेकिन जिस घर की स्त्री दुखी रहती है तो उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उस घर के लोग प्रसन्न नहीं रह सकते। तो क्या करना चाहिए, घर की जो महिलाएं हैं, घर की जो स्त्रियां हैं, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। तो आपका जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया बच्चों। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।